स्वाभिमान ने 150 एपिसोड फिनिश कर लिए हैं और इस खुशी में फैंस के हमारे पास मैसेजेस आए हैं जो अब हम साहिल जी पढ़ने वाले हैं। जी तो मैं शुरू करता हूँ। ये अपूर्वा जी ने लिखा है, थैंक यू अपूर्वा अगेन यार, आप जो लिखती हैं बहुत कमाल लिखती हैं, आज भी आई एम श्योर आपने बहुत अच्छा ही लिखा होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। हाफ माय हार्ट्स एन्चेंटेड एंड अम्यूज्ड, द अदर हाफ इज डिसलोकेटेड डिस्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड। हाफ माय हार्ट जस्ट नीड्स यू नाइट एंड डे, द अदर हाफ जस्ट नीड्स टू नो यू आर फार अवे। हाफ माय हार्ट इज अ बर्ड सो हाई इट फ्लाइज एंड सिंग्स, द अदर हाफ इज अ स्कॉर्पियन क्रॉल्स इन द डर्ट स्टिंग्स। What else can you take from me? I don't even care. Half my heart beats inside of me. The other half's not there. It's with you guys. Infinite love, Apurva Singh. Please see, I have framed this in just half an hour, so please forgive me for any mistakes. Forgive me कि मैंने उल्टा सीधा पढ़ा हो, वो rhyming मैंने अगर शायद थोड़ी खत्म कर दी हो। तो फॉरगिव मी फॉर दैट अपूर्वा। आप क्या मुंडियाँ हिला रही हो है? अभी आप पढ़ना, देखता हूँ आप कैसा पढ़ती हो। बढ़िया अपूर्वा, वेरी स्वीट यार, अगेन कमाल का लिखती हैं आप, मतलब इम्प्रेस कर देती हैं जब भी आप कुछ हमें भेजती हैं ऐसा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। संगीता कभी तू भी ट्राई करे ऐसा लिखने का यार? करती हूँ करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगी। हाँ वेट यार, बहुत जल्दी में। हाँ उसके बाद है, also want to congratulate both of you on reaching 50,000 followers on Instagram. Thank you. And that too in such short period, which again proves that you both are being loved madly. Thank you Apurva, thank you so much. Last but not the least, all Meghna fans just want that you both reach every height of success and shine in the world like stars. Heartiest congratulations to you and to the whole team on completing 150 episodes of Swabhiman. Lots of love from मीठी, आलिया, हफ्सा, हामिया, हालिमा, स्वाति, सुंदुस, प्रिया, डीना, भूमि, जैनी, मलाइका, समी, मायरा, जनानी, तमीना, अनु, सोनी। वी ऑल जस्ट वांट टू सी बोथ ऑफ यू स्माइलिंग। स्माइल करना है? कर रही हूँ। इतने अच्छे दांत हैं इन्होंने, इनकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। Every time we have conveyed that we just adore and cherish the off-screen bond you both share. May this bond last forever and ever. Keep shining, much more love and success ahead waiting for you. Thank you so much. Wow, yaar. Thank you. Again, we are grateful for all the love. And yeah, 150 episodes ho gaye hain aur aise 200, 250, 2500, 3000, 3500, 4000. आई एम श्योर ऐसी मैसेजेस और बढ़ते रहेंगे, और जितने भी हमने नाम बोले हैं सारे बहुत ही कंसिस्टेंट हैं हमें प्यार देने में, हमेशा इन्हीं के मैसेजेस आते हैं, एडिट्स बनाते हैं हमारे, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आर हार्ट वी थैंक ऑल ऑफ देम। एंड इन्होंने हार्ट पे टच भी कर दिया, वाह मतलब कमाल कर देते हैं एक्टर है ना, एकदम फील में चली जाती हैं। मतलब बहुत ही नेचुरल सा आंसर है कि बहुत अच्छा लगता है जी। मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ कि ब्लेस्ड एंड लकी, तो बस लगता है कि दुआ बरस रही है किसी की जी। जब मतलब शो को पसंद करते हैं लोग और आपके कैरेक्टर्स को भी पसंद किया जाता है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक्टर को यार। और हाँ, स्वाभिमान एक टीम ही ऐसी है जो एक फैमिली की तरह है, तो हम सब मेहनत करके काम करते हैं और जब अप्रिसिएशन मिलता है तो एक सबको मिलता है, तो विच इज़ गुड यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लोगों को पसंद किया जा रहा है बाकी शो को नहीं पसंद कर रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड बहुत ही पॉजिटिव सेट है, बहुत ही पॉजिटिव टीम है, बस ऐसे ही प्यार करते रहो यार, हम तो बहुत खुश हैं ये सब देख कर। बिल्कुल। अब सी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पॉजिटिव हों, नेगेटिव भी आते हैं, एंड आई एम वेरी ओपन टू इट यार। मेरे को अगर लगता है कोई अब कोई अपना हेट्रिड निकाल रहा है तो वो अलग बात है, बट कोई जेन्युइनली बोलता है कि मुझे इस सीन में ये चीज़ सही नहीं लगी, तो आई टेक इट एज अ क्रिटिक बेसिकली, कि वो मुझे कुछ अगर सीखने को मिलता है तो वाई नॉट यार, कोई भी इंसान आपको कुछ भी सिखा सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। बट जहाँ मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है और फालतू में स्टाइल मार रहा है, तो आई डोंट रियली केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बट ये नहीं कि आप हमेशा यू विल कमेंट बैक और यू विल रिएक्ट, ऐसे आप लाइफ में आई डोंट थिंक आगे बढ़ सकते हो।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जो हेटर्स हैं उनको जस्ट लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू, बट हाँ यू शुड टेक, जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ आपको लगता है कि ये क्यों हंस रही है इतना पता नहीं, बट अगर आपको एग्री कर रही हो तेरी बात अच्छा अगर आपको लगता है कि कोई आपको जेन्युइनली बोल रहा है कि आप इस यहाँ गलत थे, तो यू शुड टेक इट एंड जस्ट फिक्स दैट प्रॉब्लम. सेम, उसको पॉजिटिवली लेती हूँ. अगर कभी ऐसा कुछ कमेंट देखने को भी मिलता है, हाँ शुरू में ये जरूर लगता है क्या, बट देन उस बात को फिर भी दिल से लगा लेती है. काफ़ी चीज़ें मैं समझाता रहता हूँ, सीख जाएगी लड़की. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. हाय अच्छा झूठ बोल दिया, वैसा नहीं है. कब ऐसा किया मैंने दिल से लगा लियो, हाय मेरे बारे में ये कह रही. नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है. हर तरह की बात करने वाले लोग होते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि उससे हम सीखते हैं और आगे कुछ बेटर अपने आप को बेटर करते हैं. हम दोनों भी एक दूसरे को सिखाते रहते हैं यार, मतलब कल को अगर मैं कोई चीज एक्चुअली ये सिखाते रहते हैं. नहीं, नहीं, ऐसा मैं नहीं, तो क्या ही सिखाऊंगी इनको. नहीं नहीं ज्यादा इज्जत दे रही है, पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कैमरे के आगे है. प्यार से ऐसी बात बता रही हूँ कि ये बहुत ये समझता है, इसको सब कुछ पता है. नहीं ये तो बेइज्जती कर दी, मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट देने वाली है. वही बता रही थी पहले भी, यही कह रही थी मैं, मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट देने वाली है, मैं तो खुश हो गया था. नहीं इसकी बातें बहुत सही होती है, पॉजिटिव. इनफैक्ट ये तो मैं मानती हूँ कि ये मेरे से ज्यादा पॉजिटिव है. अगर हाँ ये बात भी इसने गलत नहीं बोली कि मैं दिल से कभी कभी लगा लेती हूँ, मैं मना लेती हूँ अपने आप को, मुझे ज़रा टाइम लगता है जी. और ये चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली लेता है. तो अगर कभी मुझे लगता है कि यार कोई चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है, तो एक बार इससे बात कर लेती हूँ, मतलब डाउट क्लियर हो जाता है. हाँ ठीक है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइफ है, चलता है. जो आ रहा है आने दो, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा बस. जी 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 That's what, yeah. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई म्यूजिकली साथ बना रहा है, कभी कुछ बोल बना रहे हैं, और सब लोग साथ खाना खाते हैं. इट्स अ वेरी वार्म टीम, और तभी मज़ा भी आता है. मतलब यू फील लाइक कमिंग टू द सेट एंड यू रियली इन्जॉय वर्किंग. सो ऐसे ही अच्छा है, एकजुट ऐसे ही बने रहे. और फिर तो मैंने जैसे बोला 2,500-3,000 जितने भी एपिसोड होने होंगे वो तो होंगे ही, खुशी खुशी होंगे. सो व्हेन वी से वी फील लाइक फैमिली, वो फैमिली जैसा ही है जी. एवरीवन बेसिकली, ऐसा कोई भी वैम्प नहीं है हमारे मतलब सेट पर. शो में होंगी बट सेट पे कोई वैम्प नहीं है जो एटीट्यूड दिखाए, टैंट्रम दिखाए, कोई भी नहीं है. ये सब हमने व्यूअर्स को ही कहा है. तो यार तहे दिल से हम शुक्रिया. हाथ टच करो बेटा दिल पे अभी, क्या मार दूंगी. मैंने आज इनसे सीखा, जब भी दिल की बात करो तो दिल मैं ये करती हूँ हमेशा, दिल से बोल रही हूँ. तुझे कोई प्रॉब्लम है हाँ. तो यार मतलब थैंक यू यार, 150 एपिसोड पे इतना प्यार दे रहे हैं आप. 100 एपिसोड जो है तब इतना कुछ इज्जत देती हूँ, बोलने देती हूँ. अच्छा चलो अब से मैं चुप, अब तू बोल, देखते हैं कितनी देर बोलती है. सर नहीं मैं बोलने के लिए नहीं कर रही थी, ये तो मेरा मजाक करता है उसके लिए कर रही थी. तो मजाक करता है तभी तो लोगों को पसंद आता है ना. मेघनाल फैंस, मैं रिपोर्टर हूँ. तू लगी रही है इस टाइम एकदम क्या रिपोर्टर टाइप्स, ऐसी कैजुअल एकदम ऐसे आती है स्नेहल. और क्या कैजुअल अच्छी लग रही है, वो स्नेहल पे कैमरा डाल रहा है, ब्यूटीफुल लग रही है. आई मीन टू से नो सूट नो साड़ी टाइप्स. स्नेहल तुम्हारा स्माइल तो एकदम मतलब जान ले लेती है. या सो थैंक यू जेन्युइनली वी फील ग्रेट. यही चीज़ होती है, हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं तो आपको भी लगता होगा कि क्या यार ये कुछ नया आंसर नहीं देते फैंस के लिए. बट वी डोंट रियली हैव वर्ड्स टू थैंक यू फॉर. वी फील ब्लेस्ड, मतलब इससे ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ. इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग दैट आप लोग हमें पसंद करते हैं और आप लोग हमारा शो देखते हैं. बस ऐसे ही देखते रहिए यार, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स. कुणाल और मेघना की लाइफ में तो बहुत कुछ होने वाला है आगे, जब हमें मतलब जितना हमें पता चला है. तो आई एम श्योर ऑडियंस विल लाइक द न्यू ट्विस्ट विच आर कमिंग देयर वे.